प्यारे बच्चों, एक और प्रॉब्लम प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस हमसे कह रहा है, गिवेन थ्री कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर का आपका कॉन्सेप्ट पता होगा, कोप्लेनर नाम में ही छिपा हुआ है कि एक ही प्लेन में लाई करने वाले। जैसे कि ये बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, ये एक प्लेन है, इस प्लेन में जितने भी वेक्टर आ जाएं वो सारे के सारे कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे। तो कोप्लेनर वेक्टर में बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइएगा, हमसे कह रहा है गिवेन थ्री कोप्लेनर वेक्टर। तो डायरेक्ट पहले सॉल्यूशन लगाते हैं और जो जो कोप्लेनर वेक्टर हैं उनके बारे में सोचते हैं। एक तो कोप्लेनर वेक्टर आपके पास ए वेक्टर है और एक कोप्लेनर वेक्टर आपके पास वेक्टर वी है, उसी तरह से एक कोप्लेनर वेक्टर आपके पास सी है। हमसे कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ थ्री वेक्टर्स। इन तीनों वेक्टर को आपको सम करना, उसका मैग्नीट्यूड बता देना, बड़ा सिंपल। तो आप क्या कहोगे, सम ऑफ थ्री वेक्टर्स, थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स, बताओ क्या होगा? वो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब आपके पास ए की वैल्यू कितनी है, 4i माइनस जे, बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस का 3i प्लस का 2j, सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस का 3j। बस इसको सही करके लिख लो, 4i ऐसे रहेगा, माइनस जे ऐसे रहेगा। अभी जैसे ही प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 3i प्लस का 2j और ये माइनस का 3j ऐसे ही रहेगा। अब देखो, जो i वाले हैं उनको i के साथ लिख लो, जो j वाले हैं उनको j के साथ लिख लो। i ये है, और कहीं i मुझे दिख रहा है क्या, i कहीं है, बिल्कुल है, ये है। तो ये है 4i, ये है माइनस का 3i, तो बचा कितना, प्लस का 1i। एक माइनस का जे ये है, माइनस का 3j ये है, तो माइनस का 4j हो गया, प्लस का 2j है तो माइनस का 2j रह गया अल्टीमेटली। तो आपके पास जो सम निकल कर आया वो आया ये, ठीक है। लेट अस सपोज कि ये आपने इसको कह रखा है ए वेक्टर, इसको आपने ए वेक्टर कह रखा है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट्स से। तो ए वेक्टर आपके पास निकल कर आ चुका है, आपसे कह रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो जब आप ए का मैग्नीट्यूड बताओगे तो आपका आपको करना क्या होगा, जो आई और जे ये यूनिट डायरेक्शन वेक्टर दे रहे हैं आपको, इनके जो कोफिशियंट होंगे इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो यहाँ पर आई के आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता तो इसका मतलब वन होता है, तो वन का स्क्वायर। जे के आगे टू है तो माइनस टू का स्क्वायर, तो टू का माइनस टू का स्क्वायर हो या टू का स्क्वायर हो, ये फोर होता है, वन का स्क्वायर वन होता है, तो वन प्लस फोर कितना हो गया, रूट फाइव। यही आपका आंसर है, यही पूछा था आपसे। तो कुछ टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन थी इसमें कहीं ना कहीं वो आपकी क्लियर हो गई होगी। तो आप सारे क्वेश्चन इसके जो हाई लेवल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है या डेरिवेटिव क्वेश्चन है, भाई सारे क्वेश्चन लगाओगे तभी तो आपका बेस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है भाई। तो बने रहिएगा हमारे साथ, थैंक यू।